अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के उद्यान का नाम लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की धर्म पत्नी पैमल के नाम पर रखने की मांग NSUI द्वारा की गई है। NSUI का तर्क है कि शिक्षा संस्थाओं में जीवन को दिशा देने वाले लोक देवताओं को महत्व दिया जाना चाहिए ताकि यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी उनसे प्रेरणा ले सके। NSUI नेताओं के अनुसार लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की धर्म पत्नी पैमल न केवल एक सहृदय और धार्मिक महिला थी बल्कि उन्हें स्थानीय औषधियों की जानकारी थी। पैमल का संबंध अजमेर से बताया जाता है। NSUI नेताओं के अनुसार प्राचार्य मुन्नालाल अग्रवाल को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है और प्राचार्य ने NSUI को आश्वास किया है कि उनकी इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। आज अजमेर NSUI की इकाई ने प्राचार्य मोदी को ज्ञापन देकर ये मांग जताई है कि जो महाविद्यालय में उद्यान है उसका नाम पैमल वाटिका किया जाए। पैमल अजमेर जिले की ये निवासी थी और हमारे प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी महाराज की धर्मपत्नी थी और एक सत्वंत्र नार थी। उसने अपने घरेलू औषधियों से आसपास के कई इलाकों में गरीब मजदूर और किसानों का कार्य किया है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोक देवताओं का स्मरण और लोक देवियों का स्मरण रहे और विद्यार्थियों को और महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएँ हैं उनको इन लोक देवताओं को अपने पूर्वजों का स्मरण रहे, ये NSUI मांग करती है और उस उद्यान का मांग पैमल वाटिका हो।